हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में मैं एक सुपर डबल फ्लिप फ्लेक्सिबल आरसी कार की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। इस आरसी कार के साथ हमें दो दो रिमोट्स देखने को मिलते हैं। एक है जायरो सेंसर वाली वॉच। इस वॉच को अपने हाथ पे बांधकर इस आरसी कार को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा है ये एक नॉर्मल वाला रिमोट, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये रिमोट से भी आप इस कार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर इस आरसी कार के बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। इस तरफ भी फीचर्स दिए हुए हैं। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स जो है पीछे की तरफ से इस तरह का दिखाई देता है। और ये जो आरसी कार है, आप पूरी तरीके से ऑफ रोड और ऑन रोड में भी चला सकते हो। आज की वीडियो में मैं पूरी तरीके से इसको अनबॉक्स करके और पूरी तरीके से इसे ऑफ रोड में और ऑन रोड में टेस्ट भी करके बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इस आरसी कार को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इस आरसी कार को मैंने खरीदा है अमेजोन से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस आरसी कार को खरीद भी सकते हो। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। बॉक्स ओपन कर लिया है मैंने और यहाँ पर हमें मिली है इसकी यूजर गाइड और भी बहुत सारी चीजें। सारी चीजें एक एक करके मैं आपको निकाल के फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले आरसी कार दिखा देता हूं मैं आपको। काफी गजब का कलर है इस आरसी कार का। ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आ जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। यहीं से इसका ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से एलईडी लाइट्स दिए हुए हैं। अजाइल व्हील्स है। काफी फ्लेक्सिबल आरसी कार है। मैं भी आपको बताता हूँ गाइस, देख रहे हो इतना ज्यादा ये फ्लेक्सिबल है। आप पूरी तरीके से इसको इस तरह से भी बेंड कर सकते हो और पूरी तरीके से इस तरह से रोल भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगी मेरे को ये। नीचे की तरफ यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, ये रही गाइस इसकी बैटरी। ये जो बैटरी है 500 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिली है। यहाँ पे और भी आपको बैटरीज नज़र आ रही होगी। ये कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा। और ये रहा बैटरी को चार्ज करने का चार्जर। और ये जो बैटरी है तकरीबन 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स का टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है इस आरसी कार की। व्हील्स भी काफ़ी मस्त है। तो पूरी तरीके से इस आरसी कार को हम लोग ऑफ रोड में भी चला सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। ये रहा इसका रिमोट। रिमोट भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का। यहाँ पे हमें दो डबल ए बैटरीज डालनी होती है। बैटरीज के अंदर मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। ये जो हमारी आरसी कार है पूरी तरीके से स्टंट्स वगैरह भी कर सकती है। ये रहे इसके स्टंट्स के बटन। यहाँ से आप इस रिमोट को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके ये जो टॉगल्स है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा इस मेरे को और काफ़ी ज़्यादा क्लिकी है। ये जो रिमोट है देखने में काफ़ी ज़्यादा ओपी नज़र आता है। काफ़ी अलग किस्म का रिमोट डिज़ाइन किया हुआ है इन लोगों ने। तो और ये है इसकी सबसे मेन चीज़, ये इसका ब्रासलेट जायरो सेंसर। इसको मैं दिखा देता हूँ गाइस। तो ये रहा हमारा जायरो सेंसर और ये है यहाँ पर कहीं पर लग जाता है गाइस। इसको लगा देते हैं फिलहाल। तो ओके, तो ये रहा हमारा जायरो सेंसर। इस जायरो सेंसर को आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो और अपने हाथ पर एक वॉच की तरह बांधकर इस आरसी कार को पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये जो बैटरीज मैंने दिखाई थी गाइस आपको, ये बैटरी हमें यहाँ पर डालनी होती है। एक बैटरी मैंने डाल दी है इसके अंदर। टोटल हमें इस तरह की तीन बैटरीज मिल जाती है और एक बैटरी जो है इस वॉच के अंदर तकरीबन 6 मंथ्स तक बड़ी आराम से चल जाती है। तो ओवरऑल गाइस, ये जो ब्रासलेट के बेल्ट्स है उतनी अच्छी क्वालिटी के लगे नहीं मेरे को। आप यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी बेकार किस्म की क्वालिटी है इसके बेल्ट की, पर ये जो पार्ट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इसको मैं अपने हाथ पर बांधता हूँ, फिर चलेंगे बाहर इस आरसी कार को टेस्ट करने के लिए। देखते हैं ये ब्रासलेट सही से काम करता है कि नहीं।
दोस्तों इस आरसी कार को मैंने पूरी तरीके से कर लिया है टेस्ट। कार जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी अच्छी तरीके से स्टंट्स वगैरह भी मार सकती है और काफ़ी अच्छी तरीके से चल भी रही थी। मैंने इसे ऑफ रोड में भी टेस्ट करके आपको दिखाया है और इसके अंदर लाइट्स भी जो है काफ़ी अच्छी जलती है। ओवरऑल कार मेरे को अच्छी लगी। जहाँ तक बात करूँगा इसमें इसके ब्रासलेट की, ये भी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। इसकी सेंसिटिविटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको चलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है आपको सीखने के लिए। तो ओवरऑल गाइस मेरे को ये काफ़ी बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी ये आरसी कार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है मिलान, सुरजीत, अनुराग, प्रताप, ऋत्विक, हिराक, ज्योति, जोसेफ, अभिलाष, अनमोल, आतिफ, रत्नादीप। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।